या नहीं तो हेडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा हो बड़ी होती है फॉन्ट साइज में भी और वेटेज uh, में भी यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होती है तो हेडिंग के क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हेडिंग में इट हैज़ टू प्रॉमिस बेनिफिट्स प्रॉमिस अ स्टोरी पुट द नंबर थ्री एट द फ्रंट अक्सर हमने ये देखा है कि अगर आप कहें ना कि जी तीन चीज़ें थ्री बेस्ट स्टेप्स थ्री रूल्स ऑफ लाइफ तो वो लोगों को लगता है यार ये तो मुझे तीन चीज़ें पता चल जाएंगी चाहे बाद में आप बोलते रहें बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे ना टेन ट्वेंटी थर्टी सेवन अक्सर लोग नहीं पढ़ते कि इतनी लंबी लिस्ट कौन पढ़े सो थ्री वी हैव सीन इज इज़ मच इज अ वेरी आइडियल नंबर प्रोवोक क्यूरियोसिटी क्यूरियस करें लोगों को एक सोच आए लोगों को कि हो क्या रहा है मतलब हेडलाइन एकदम से सब कुछ ना बता दे थोड़ा सा छोड़ दे लोगों की इमेजिनेशन को क्यूरियोसिटी को उजागर करे वो कंसर्न ये भी हो सकता है कि आप लोगों में एक कंसर्न करें कि यू नो क्यों है ये बात क्यों हो रही है ऐसा कैसे हो गया ऐसा क्या हो गया तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अगर आप सारी मिक्स एंड मैच कर लें तो ये प्रेजेंटेशन के टाइटल्स या हेडिंग्स बन सकती हैं इसी तरह अगर हम कॉन्ट्रास्ट ले आए चीज़ों में तो उसमें भी बन सकती हैं हम एक एग्ज़ाम्पल लिख के देखते हैं हेडिंग का एग्ज़ाम्पल है प्रेजेंटेशन uh, है हमारी अबाउट जो टॉपिक है हमारा वो है बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल अब इसके बारे में हमें हेडिंग लिखनी है अब हम जब सोचते हैं कि हेडिंग किस किस्म की हो तो हम uh, ये भी यही हेडिंग बना सकते हैं जी बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल स्टाइल बट इतना ज़्यादा वाइल इट डज़ टेल मेक पीपल क्यूरियस कि क्या बेनिफिट्स हैं मगर बहुत से लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट्स का पता है तो वो शायद आपकी प्रेजेंटेशन ना सुने तो आपको उनको कुछ और ऐसी चीज़ बतानी है जिससे लोग शायद आपकी बात सुने। तो इसकी हेडलाइन जो है वो कुछ ऐसे हो सकती है तो आपने कहा स्टे हेल्दी फ़ॉर अ रिचर लाइफ अभी कुछ भी हो सकता है ये रिचर एज इन आपके पास फुलफिल्ड लाइफ है हर चीज़ मौजूद है रिचर इन टर्म्स ऑफ मनी व्हाट इज इट तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपने ये वोक कर दी स्टे हेल्दी आपने बताया कि किस टॉपिक क्या है आप किसके बारे में बात करेंगे और एक आपने थोड़ा सा कंसर्न uh, भी बताया है कि जी आपको हेल्दी रहना है अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू राइट Headlines. We hope that you write many more, practice and have fun with it. Thank you.